तो दोस्तों आपके वीडियो को वायरल होने का कई रीजन हो सकता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा रीजन होता है ऑडियंस रिटेंशन यानी कि वॉच टाइम। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आप अपनी वीडियो में ऐसा क्या मिस्टेक करते हो जिसकी वजह से आपका ऑडियंस रिटेंशन कम हो जाता है और आपके वीडियो पर वॉच टाइम बहुत ही कम आता है। तो दोस्तों 5 मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं जो आप अपने वीडियो में इंप्रूव करते हैं तो आपका भी ऑडियंस रिटेंशन काफी हद तक बढ़ने वाला है, जिससे आपके वीडियो को वायरल होने का चांस काफी बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपके वीडियो पर ऑडियंस रिटेंशन ना आने का जो पहला कारण हो सकता है वो हो सकता है दोस्तों आपके थंबनेल पर किसी और बंदे का फोटो लगा होना। आपने दोस्तों YouTube पे ऐसे सर्च करके बहुत बार देखा होगा कि आप YouTube पे कुछ सर्च करते हैं और आपको थंबनेल में टेक्निकल गुरुजी का फोटो दिखाई देता है, और दोस्तों जब आप अंदर वीडियो देखने जाते हैं तो अंदर कोई और बंदा ही होता है जो वीडियो बना रहा होता है या फिर वीडियो में बोल रहा होता है। तो ऐसे में दोस्तों ऑडियंस आपके वीडियो को 5 सेकंड भी नहीं देखते हैं और गाली देकर चला जाता है। तो आप अपने थंबनेल में किसी भी बड़े टेक यूट्यूबर या फिर किसी भी बड़े क्रिएटर का फोटो ना लगाइए, आप अपना फोटो लगाइए, अपने फेस वैल्यू को बनाइए। तो दोस्तों आप अपने थंबनेल में कभी भी किसी दूसरे का फोटो ना लगाइए, इससे आपका वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन बहुत ही हद तक गिर जाता है। अब दोस्तों जो दूसरा मिस्टेक है वो है अपने थंबनेल में ओवर क्लिकबेट कर देना। जनरली दोस्तों आपने जितने भी यूट्यूबर देखे होंगे सब अपने थंबनेल में क्लिकबेट करते हैं, और दोस्तों आपको भी अपने थंबनेल में क्लिकबेट करना चाहिए, लेकिन दोस्तों जब आप अपने थंबनेल में ओवर क्लिकबेट करते हैं तो वो थोड़ा सा मिसलीडिंग में आ जाता है, जिससे आपका ऑडियंस रिटेंशन तो गिरता ही है और आपके चैनल पर बुरा इफेक्ट भी पड़ता है। तो आप अपने थंबनेल में क्लिकबेट कीजिए, लेकिन बहुत कम कीजिए। आप अपने थंबनेल में कभी भी ओवर क्लिकबेट करने का कोशिश मत कीजिए दोस्तों, इससे आपके चैनल पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है और ऑडियंस रिटेंशन तो आपका गिरता ही है। अब दोस्तों जो तीसरा मिस्टेक है उसका नाम है अपने वीडियो में सस्पेंस क्रिएट ना करना। अगर आप अपने वीडियो में पहले ही जो बताने वाले हो उसको पहले ही रिवील कर देते हो तो दोस्तों ऑडियंस आपके वीडियो को कभी भी फुल वॉच नहीं करती है। तो आपको अपने वीडियो में सस्पेंस जरूर क्रिएट करना चाहिए। आप कुछ ऐसा बता दीजिए पहले ही वीडियो में ताकि ऑडियंस मजबूर हो जाए कि आपके वीडियो को एटलीस्ट आधा तो जरूर देखे। अब इससे आपका ऑडियंस रिटेंशन 50% तो आएगा। तो दोस्तों आपको अपने वीडियो में सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश जरूर करना चाहिए ताकि ऑडियंस आपके वीडियो को जरूर देखे। तो दोस्तों आपके वीडियो में ऑडियंस रिटेंशन गिरने का जो चौथा कारण हो सकता है वो है दोस्तों वीडियो में काम के बाद में करना और शुरू में खुद को प्रमोट करना। तो दोस्तों आपने ऐसे बहुत वीडियो में देखा होगा कि वो वीडियो में काम के बाद में करते हैं और शुरू में बोलते हैं सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, इंस्टा पे फॉलो करो। तो दोस्तों इससे भी आपका ऑडियंस रिटेंशन बहुत हद तक गिर जाता है। तो आपको अपने वीडियो में बीच में कोई एक इंट्रो सा चला देना है कि भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। आपने अपने वीडियो में आखिरी में बोलना चाहिए ये सब चीज़ें, या फिर बीच में कभी याद दिला देना चाहिए। आपको शुरू में ही नहीं बोलना चाहिए कि फॉलो करो। कई बंदे तो 1-1.5 मिनट तक सिर्फ सब्सक्राइब करने के बारे में ही बताते रहते हैं। तो दोस्तों इससे भी आपका ऑडियंस रिटेंशन बहुत ही हद तक गिरता है। तो आपने अपने वीडियो में कभी भी खुद को ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों आपके वीडियो में ऑडियंस रिटेंशन गिरने का जो पांचवा कारण हो सकता है वह हो सकता है दोस्तों आपको अपने वीडियो को बनाते समय खुद वीडियो में इंटरेस्ट ना लेना। आपने ऐसे बहुत बार देखा होगा कि कोई बंदा बोलता है तो उसको लगता है कि भाई स्क्रिप्ट रट के आया है, जो बोल रहा है बस बोलते जा रहा है। तो आपको अपने वीडियो में ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको वीडियो बनाते समय खुद मजा आना चाहिए बोलने में, खुद इंटरेस्टेड होना चाहिए वीडियो में, ताकि सामने वाला देखे तो उसको भी वीडियो देखने में भी मजा और नॉलेजफुल तो हो ही रहा है वीडियो से। तो आपको अपने वीडियो में कभी भी ऐसे स्क्रिप्टेड जैसा बात नहीं करना चाहिए। आपको कुछ ना कुछ अच्छा सा मिला के अपने वीडियो में बोलना चाहिए ताकि वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन बढ़े और व्यूअर आपके वीडियो को आखिरी तक देखते रहे। तो आपको अपने वीडियो में खुद इंटरेस्ट लेना चाहिए वीडियो बनाते समय। अब दोस्तों अगर आप ये 5 चीज़ें अपने वीडियो में इम्प्रूव करते हैं तो आपके भी वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन बढ़ने का काफ़ी अच्छा तरीका से चांस है। तो आप अपने वीडियो में ये चीज़ें इम्प्रूव करने का कोशिश जरूर